हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काला जामुन की रेसिपी। और आज हम बनाएंगे मैंगो और पिस्ता फ्लेवर के काला जामुन, जिसमें ना तो हमने मावा यूज़ किया है, ना खोया यूज़ किया है, ना ही मिल्क पाउडर है, ना ही सूजी। आज हमने बनाया है डेरी वाइटनर के साथ ये काला जामुन। और आज की रेसिपी की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें जो शुगर सिरप बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है, ना तो बचेगा ना तो फेंकने में जाएगा। ये काला जामुन दिखने में जितने सुंदर दिखते हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो, या फिर आने वाले हो कोई मेहमान, या फिर हो घर में छोटी मोटी पार्टी, तो आप इन काला जामुन को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में टेस्टी है, दिखने में सुंदर है और रेसिपी भी बहुत आसान है, इंस्टेंट रेसिपी है। एंड तक ज़रूर देखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो काला जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बड़ा सा बोल, और हमें चाहिए एवरीडे का डेरी व्हाइटनर। डेरी व्हाइटनर हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे 2 कप। 2 कप भर के मैं डेरी व्हाइटनर ले रही हूँ। डेरी व्हाइटनर और मिल्क पाउडर में फ़र्क होता है, ये ज़्यादा मीठा होता है और इसे जब हम इसका डो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा बनता है, लेकिन इसके गुलाब जामुन भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मात्र 3 छोटे चम्मच सेमोलिना, यानी कि सूजी। 3 चम्मच ही सूजी डालनी है, और बारीक सूजी लेनी है, मोटी वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 चम्मच मैदा। सूजी और मैदा हमने सेम सेम लिया है, आप चाहें तो कोई एक भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो सूजी या तो मैदा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब मैं ऐड कर रही हूँ प्योर घी 2 टीस्पून। प्योर घी मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला ही लिया है, पिघलाकर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब चम्मच की सहायता से मैं सभी सामग्री को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे हाथों से भी मिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि जो घी हमने डाला है, जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, उसको अच्छे से पहले मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम्बली आटा बन चुका है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, दूध गाढ़ा होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, लेकिन फ्रिज का नहीं लेना है। अब इसका मैं अच्छे से डो बनाने वाली हूँ। ज़रूरत के अनुसार मिल्क डाल के मैं इसका सॉफ्ट डो बनाऊँगी, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो सॉफ्ट डो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सूजी फूल जाएगी। इसे हम रेस्ट भी करवाने वाले हैं 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में सूजी आराम से फूल जाती है। डो बन चुका है, इसे अब हम रेस्ट करवाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं देखती हूँ कि ये फूल चुका है या नहीं आटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल कड़क हो चुका है, क्योंकि हमने सॉफ्ट डो बनाया था। अब ये थोड़ा सा हार्ड बन चुका है, क्योंकि सूजी और मैदा दोनों फूल चुके हैं। अब मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा दिया है, हाथों को ग्रीस कर लिया है ताकि ये हाथों में नहीं चिपके। अब मैं इसको अच्छे से खोल लूँगी हाथों की सहायता से, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें दूध की ज़रूरत है क्या। अगर दूध की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें दूध डाल के फिर से इसको सॉफ्ट बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्योंकि इसके अगर हम काला जामुन बनाएंगे तो उसके ऊपर क्रैक आ जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। लगभग 2 टेबल स्पून दूध डाल के मैं इसको फिर से एक बार नीड कर लूँगी अच्छे से, और इसका सॉफ्ट डो बना लूँगी, तभी जो जामुन बनेंगे उसके ऊपर क्रैक नहीं आएंगे। अगर क्रैक आते हैं तो उसको फ्राई करते समय वो ऑयल में फूट सकते हैं। अब डो बन चुका है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा डो अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें स्टफिंग के लिए बॉल्स भी बनाने हैं। उसके लिए मैंने 1/4 डो निकाल लिया है अलग से, उसको मैं चम्मच की सहायता से थोड़ा सा खोल लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड पिस्ताशियो। यहाँ पे 12 से 15 पिस्ता लिए हैं मैंने, और 12 से 15 मैंने लिए हैं आलमंड्स। दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। तीनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये जब स्टफिंग हम अंदर भरेंगे, काला जामुन थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, तो अंदर अगर चीनी रहती है उसके तो वो पिघल जाती है गर्मी के कारण, तो अंदर तक ये इसका सिरप जो है बहुत ही बढ़िया बन जाता है उस चीनी का, इसीलिए चीनी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मिक्स हो चुका है, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगी 2 इक्वल पोर्शंस के साथ। अब एक में मैं ऐड कर दूँगी मैंगो इमल्शन। मैंगो इमल्शन डालने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें कलर भी आता है और उसमें फ्लेवर भी होता है। एक में मैं डाल रही हूँ पिस्ता इमल्शन। इमल्शन डालने से पहले एक बार बोतल को अच्छे से शेक कर ले, और 5-6 बूंदे
दोनों इमल्शन मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा येलो कलर भी आ चुका है, लेकिन जो इसका फ्लेवर आता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रांग आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो इसमें आप पाउडर कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कलर डालें, इमल्शन को ज़्यादा ना डालें। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लेवर आती है, इसीलिए पाँच छः बूंदे ही डालें। अब दोनों डो तैयार हो चुके हैं, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। छोटे छोटे बॉल्स बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको हमें स्टफिंग करना है बड़े बॉल्स में, इसीलिए छोटे छोटे ही बॉल्स बनाना ज़रूरी है। लगभग 10 से 12 बॉल्स बन चुके हैं एक डो के। तो इसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स बना के रख दिए हैं। चलिए अब डो हम देखते हैं, क्योंकि ये डो भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी इक्वल पोर्शंस में। जितने मेरे पिस्ता फ्लेवर के बॉल्स बने हैं, जितने मैंगो फ्लेवर्स के बॉल बने, उस हिसाब से मैं इनको डिवाइड कर लूँगी। और जो भी बचेगा डो, उसमें से मैं बड़े बड़े गुलाब जामुन भी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने स्टफिंग के लिए अलग से गोले बनाए जो कि थोड़े छोटे हैं, और जो बचा हुआ डो था उसमें से मैंने बड़े बड़े काला जामुन बना लिए जिसमें हम स्टफिंग नहीं भरेंगे। स्टफिंग कैसे भरनी है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक मैं भर के दिखाऊँगी मैंगो फ्लेवर का, एक मैं भर के दिखाऊँगी पिस्ता फ्लेवर का। तो जिस तरीके से हम पराठा वराठा बनाते हैं कोई भी, तो उस पराठे को जैसे स्टफिंग भरते हैं, बस उसी तरीके से स्टफिंग भरनी होती है। लेकिन उसके बाद इसको बिल्कुल चिकना गोला बनाना होता है, उसके ऊपर क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होते हैं तो इसे फ्राई करते समय वो फट सकते हैं। यहाँ पे चिकना गोला बनकर रेडी हो चुका है। चलिए मैं बाकी के जामुन्स को थोड़ा अलग कर देती हूँ, वरना वो मिक्स हो जाएंगे। अब एक और हम भरेंगे जो कि पिस्ता फ्लेवर का, मैं भर के दिखाऊंगी आपको यहाँ पे। और कलर देखिए आप कितना बढ़िया दिख रहा है इसका। तो सोचिए इसके काला जामुन जब बनेंगे तो खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी होंगे। अभी से इसका फ्लेवर आ रहा है मुझे पिस्ता का। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे काला जामुन को स्टफ कर लेंगे और इसको बनाएंगे। बिल्कुल चिकने चिकने जामुन हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो है ना आसान सा इसे बनाना। यहाँ पे हमारे सारे काला जामुन बन के रेडी हो चुके हैं और कढ़ाई भी हमने गरम करने रख दी है। ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, आप चाहे तो प्योर घी में भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने टुकड़ा डाल के देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये ऑयल हम गरम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठंडा होता है तो ये पिघल सकते हैं, जो जामुन हम इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे वो पिघल भी सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मीडियम गरम हो चुका है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी बैच डाली है, लगभग 5 ही मैंने जामुन इसमें डाल दिए है फ्राई करने के लिए, और ये चिपक रहे हैं नीचे। तो इन्हें मैं फटाफट फ्लिप कर दूँगी और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, क्योंकि जब लगता है कि जामुन चिपक रहे हैं तली में तो गैस की फ्लेम को हाई कर दे। 2-3 बार इन्हें फटाफट फ्लिप कर दे, इनके ऊपर अच्छा कलर जब आ जाए हल्का गोल्डन ब्राउन, तब गैस की फ्लेम को लो करके फिर इन्हें हम जैसा कलर हमें चाहिए, इसका डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन, उस हिसाब से हम लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने भी यहाँ पे फ्लेम को लो कर दिया है। अब मैं इन्हें 5-6 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए फ्राई करने वाली हूँ, जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि काला जामुन है तो डार्क कलर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी पहली बैच फ्राई होके रेडी हो चुकी है। अब मैंने ज़रा बड़ी सी बैच डाल दी है, लगभग 9-10 जामुन को मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और मैंने कढ़ाई को ही हिला दिया है। इसके ऊपर बढ़िया से कलर आ चुका है। एक बार कलर आ जाता है ना जामुन के ऊपर फ्रेंड्स, फ्राई करते समय, तो वो फटने का डर फिर चला जाता है। फिर लो फ्लेम पे आप इसे आराम से तल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है तो ये फूलेंगे तो बहुत ही बढ़िया। तो फूलने के लिए हमें लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब डर लगता है कि ये फट जाएंगे, तो फ्लेम को हाई करके इनके ऊपर कलर लाए, एक लेयर लाए, उसके बाद फ्लेम को लो करके आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक टिप ही समझिए आप, कि काला जामुन फ्राई करते समय अगर वो चिपक रहे हैं तो आप फ्लेम को तुरंत बढ़ा दें, कलर जैसे आ जाए उसके ऊपर आप लो फ्लेम करके तल लें। अब देखिए ऑयल भी ये सोक नहीं करते, इतना सारा ऑयल बच गया है। अब हम बनाएंगे चाशनी यानी कि शुगर सिरप।
और यहाँ पे शुगर सिरप हम मात्र एक कप शुगर से बनाएंगे। उसमें मैंने डाल दिया है एक कप पानी, क्योंकि इतना अगर शुगर सिरप हम बनाएंगे तो हमने जितने काला जामुन बनाया है उसके लिए ये परफेक्ट शुगर सिरप है। ना तो ये बचेगा ना ही फेंकने में जाएगा। बस एक तार की चाशनी हमें बनानी होती है। मीडियम फ्लेम पे मैंने कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इन्हें पकाया है। इसमें बॉईल आ चुका है लेकिन हमें इसको और 5 से 6 मिनट के लिए पकाना ज़रूरी है। एक तार की चाशनी जब दिखने लगती है, जैसे चम्मच से हम चाशनी डालते हैं तो एक तार दिख जाती है, तो उस कंसिस्टेंसी की जैसे ही चाशनी बन जाती है हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, हमने गैस को भी बंद कर दिया है। एक तार की चाशनी परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे काला जामुन जो हमने फ्राई करके रखे हैं। यहाँ पे हमने 2 कप डेयरी व्हाइटनर लिया था जिसमें 3-3 चम्मच हमने मैदा और सूजी भी डाली है। उसके बावजूद हमने सिर्फ और सिर्फ 1 कप चीनी से चाशनी बनाई है और इतनी चाशनी में ही ये बहुत ही परफेक्ट जामुन बन जाते हैं, परफेक्ट मीठे भी बन जाते हैं। एक बार मैंने इसको हिला लिया है, अब मैंने गैस को फिर से स्टार्ट कर लिया है। अब लो फ्लेम पे मैं इन्हें पकाऊंगी 5 मिनट के लिए ढककर, जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। क्योंकि जामुन को अगर हम शुगर सिरप में पकाएंगे तो शुगर सिरप जो है काला जामुन के अंदर तक चला जाता है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, अंदर तक चाशनी भी जाती है। और इस तरीके से पकाने से ये जामुन बिल्कुल बिगड़ेंगे ही नहीं। एक तरीके की टिप भी समझ सकते हैं आप। मैं दबाकर भी दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और स्पंजी जामुन बन चुके हैं। तो इन्हें मैं ठंडा करके सर्व करके भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो लीजिए, तैयार है हमारे पिस्ता और मैंगो फ्लेवर के बढ़िया से काला जामुन। दिखने में तो सुंदर दिखते ही हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके पहले भी हमने रोज़ फ्लेवर के काला जामुन की रेसिपी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है, आप उसे भी ज़रूर देखें। और शुगर फ्री गुलाब जामुन की भी रेसिपी डाली है, आप उसे भी ज़रूर देखें। और इस तरीके से अगर काला जामुन आप बना कर देखेंगे तो आपको 101% ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।